चंद्र तिवारी सर, आज आप लोगों को चतुर्थ पाठ सर्दी की धूप के विषय में बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सर्दी में मस्तानी धूप लगती, सुबह सुहानी धूप पूरब के पर्वत से उतरी जैसे कोई परिसी धूप। सर्दी की धूप बहुत ही मस्तानी सुख देने वाली होती है। सुबह की धूप बहुत ही सुंदर और सुहानी लगती है। यह पूरब से निकल कर चलती है जैसे परी के समान चमकती हुई। यह धूप पृथ्वी पर आती है, तितली भौरे करी फूल में लाती नई रवानी धूप। ठुठरे जन को बाटे गर्मी रोज यह महारानी धूप। तितली भौरे कली फूल में यह नई मस्ती खुशी लाती है। ठुठरे जन को बाटे गर्मी, जो व्यक्ति जाड़ से ठंड से कांप रहा है उसे गर्मी देती है। यह धूप महारानी धूप के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे धीरे आगे बढ़ती, चलते चलते थकती धूप। दोपहर में गर्म होकर करती कुछ शैतानी धूप। यह धूप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, चलते चलते यह थक जाती है। दोपहर में धूप तीखी और कड़ी दिखाई देती है। उस समय धूप कुछ शैतानी करती है, हरकत करती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और अंदर जाकर बैठते हैं। इस समय की धूप बहुत तीखी लगती है। सर्दी के मौसम में सुख की अद्भुत राम कहानी धूप। सर्दी के मौसम में यही धूप बहुत सुहावनी लगती है। यह धूप विचित्र है, यह राम कहानी धूप के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विद्यार्थी को अपने जीवन में जो है अधिक से अधिक सूर्य और धूप के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। सूर्य जो है धधकते हुए एक आग के गोला के रूप में माना गया है, यह रोशनी देता है। इसे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। सूर्य से हमें नई ताजगी मिलती है। कलियां, फूल, पेड़ पौधे इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं जिसको मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, कविता को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। गुड बाय।